बागपत के 6 सरकारी अस्पतालों में आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान 3 शहरी और 3 ग्रामीण सीएचसी में 250 से ज्यादा मरीजों पर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कोविड वैक्सीन देने के बाद सभी मरीजों को अस्पताल में ही भर्ती किया गया है ताकि वैक्सीन के असर और साइड इफेक्ट के बारे में जाना जा सके। कोविड वैक्सीन ड्राई रन के दौरान डीएम और एसपी ने व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम शकुंतला गौतम और एसपी अभिषेक सिंह दोनों बागपत सीएचसी पहुंचे और डॉक्टरों से कोविड-19 वैक्सीन लगाने की जानकारी ली। डीएम ने सीएचसी में तैनात डॉक्टरों से कोविड वैक्सीन की पात्रता के बारे में भी पूछताछ की। कोविड वैक्सीन ड्राई रन के दौरान अस्पतालों में पुलिस बल तैनात रहा और जिला स्तरीय अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाकर उनकी निगरानी में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल किया गया। बागपत में किस तरह की व्यवस्था थी और कितने मरीजों पर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल हुआ, इसकी जानकारी बागपत डीएम शकुंतला गौतम ने दी। कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल रन जो है आज ड्राई रन किया जा रहा है जनपद बागपत की 3 शहरी क्षेत्र की सीएससी में और 3 ग्रामीण क्षेत्र की सीएससी में ड्राई रन किया जा रहा है। उसकी व्यवस्थाएं मैंने और कप्तान साहब ने जाकर स्वयं बागपत में देखी हैं। यहाँ आपने देखा है कि 2 बूथ बनाए गए हैं और दोनों बूथ में दोनों ही बूथों में पहले तो हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हैं जो है 25-25 प्रत्येक बूथ पर जो है मरीज के रूप में कोरोना वैक्सीन के रूप में जो लाभार्थी हैं वो आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनको वेरीफाई करके जो है वेरीफाइंग एरिया है उसे आगे भेजा जा रहा है जहां उनका मोबाइल ऐप पर जो ANF है उसका पूरा डाटा अपलोड कर रही है और उसे जो वैक्सीनेटर है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके बाद जो है उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लगभग उनको रखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किसी तरह का उन्हें कोई रिएक्शन तो नहीं है। इस तरह के पूरी व्यवस्था की है। इसके बाद जो है उसके लिए जो है AFI की व्यवस्था की गई है जहाँ यदि कोई दिक्कत आती है तो उसे वहाँ तुरंत शिफ्ट करके जो है उसका उपचारित किया जाएगा। तो पूरी तरह जो ड्राई रन का जो ये ट्रायल है वैक्सीनेशन का उसे वो पूरी तरह से जो है कोविड हमारी विभाग की जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की और पुलिस विभाग की और जो सेक्टर में स्टेट हैं वो लगाए गए हैं। जिला स्तरीय अधिकारी और तहसीलदार स्तर के तहसीलदार जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर के रूप में लगाए गए हैं, वो व्यवस्थाओं का सुपरविजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है CMS CMO एडिशनल CMO और डिप्टी CMO रैंक के अधिकारी जो हैं वो हर CSC पर लगाए गए हैं जो अपनी देखरेख में ड्राई रन की व्यवस्थाओं का स्वयं जायजा ले रहे हैं। थैंक यू मैम।